आज की वीडियो का टॉपिक हमें सजेस्ट किया है जतिन भारद्वाज जी ने। जतिन जी ने अलग अलग वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल धूम मचा दी थी इस टॉपिक के लिए, और मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। और अगर आप भी चाहें तो किसी भी स्टोरी या किसी भी वीडियो का टॉपिक हमें सजेस्ट कर सकते हैं, उसका क्रेडिट आपको दिया जाएगा। अब बिना टाइम जाए किए चलते हैं सीधा वीडियो पर। मॉडर्न इंटरनेट कल्चर में पिछले कुछ सालों में एक टॉपिक पर बहुत ज्यादा बात होती रही है। इस पर कई सारी फिक्शनल वीडियोस, स्टोरीज बनी हैं और कुछ गेम्स और मूवीज भी आई हैं, और शायद इस पर सबसे ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पर ही बनाया गया है। इनफैक्ट हमारे चैनल पर भी वेंडिगो की दो स्टोरीज मैंने अपलोड की हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑफकोर्स आपको मिल जाएगा। पर इस सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वेंडिगो या फिर स्किन वॉकर आखिर एग्जैक्टली है क्या? लेट्स फाइंड आउट। टू बी प्रिसाइज, वेंडिगो या फिर सही लफ्जों में विंडिगो का मतलब है इंसान का मांस खाने वाला एक बड़ा सा जीव। बाय डिफॉल्ट यह इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा पर इंसान जैसा ही दिखने वाला एक जीव है जो अपने चारों हाथ पैरों पर चलता है। इसके पाए जाने की जगह अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के घने जंगल हैं, और ये लगभग किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है। रेडिट पर कुछ हंटर्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने वेंडिगो जैसे एक जीव को मूस का शिकार करते हुए अपनी आंखों से देखा है। ये एक एस्टाउंडिंग बात है, क्योंकि कोई भी फुली ग्रोन अप मूस बड़े आराम से कम 700 किलो तक का हो सकता है, और इससे अक्सर बड़े बड़े ग्रिजली बेयर भी दूर ही रहते हैं। ये है एक फुली ग्रोन अप मूस, और आप उसके साइज का अंदाजा पास खड़ी एसयूवी से लगा सकते हैं। पर विंडिगो के अंदर इंसानी मांस खाने की जो भूख होती है वो उसे बाकी किसी भी अर्बन लेजेंड से अलग बनाती है। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो एंशियंट नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स, जो कि पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी, विंडिगो की जड़ें इन्हीं ट्राइब्स में मिलती हैं। इनमें से कुछ ट्राइब्स या फिर कबीलों के नाम जैसे कि नवाहो और अपाचे आपने किसी न किसी मूवी या फिर डॉक्यूमेंट्री में जरूर सुने होंगे। इस तरह की हर ट्राइब में एक शामन या फिर ओझा जरूर होता था, जिसकी उस समाज में काफी इज्जत होती थी। इन ट्राइब्स के वंशजों का आज भी मानना है कि इन शामन्स के पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज, यानी खुद को किसी और रूप में बदल लेने की ताकत होती थी, और अगर ये किसी भी तरह की इविल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते थे, जैसे कि अपनी ही ट्राइब या फिर अपनी ही फैमिली को मारना और उनका मांस खाना, तब धीरे धीरे वो मांस खाने वाले एक ऐसे जीव में बदल जाते थे जिनकी इंसानी मांस की भूख कभी खत्म नहीं होती। वैसे कई लेजेंड्स के मुताबिक किसी भी इंसान के वेंडिगो में तब्दील होने के लिए उसका एक स्किन वॉकर शामन होना जरूरी नहीं है। उनके मुताबिक ऐसा कोई भी इंसान जिसने अपने ही परिवार, अपनी ट्राइब के लोगों या फिर किसी भी दूसरे इंसान का मांस खाया हो और वो लगातार ऐसा करते रहे हो, तब भी वो धीरे धीरे वेंडिगो में तब्दील हो सकते हैं। आज तक जिन भी लोगों ने वेंडिगो या फिर स्किन वॉकर से सामना होने का जिक्र किया है, उन्होंने कई चौंका देने वाली मगर एक सी ही बातें बताई हैं। पहली ये कि जिस किसी भी वेंडिगो के पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज होती हैं, वो अक्सर किसी जानवर के रूप में दिखाई देता है, जैसे कि कोई हिरण, रेनडियर, भालू, कुत्ता या फिर एक बड़ा सा भेड़िया, और ज्यादातर केसेस में ये किसी भी तरह अपने टारगेट को अलग थलग करके अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए हैं, जो कि अमेरिका और कनाडा में लीगल है, तो हो सकता है ये आपको एक हिरन या फिर रेनडियर के रूप में दिखाई दे और आपको आपके पार्टनर से अलग करने की कोशिश करे। अगर इसका टारगेट कोई बच्चा है तो हो सकता है ये उसे किसी कुत्ते या फिर खरगोश के रूप में भी दिखाई दे, और सबसे खतरनाक, ये आपको आपके किसी अपने की आवाज में भी बुला सकता है और आपको किसी ऐसी जगह पर ले जाने की कोशिश करेगा जहां से आप भाग ना सकें। इंटरनेट पर लोगों ने ऐसे कई हादसों के बारे में बताया है जहां एक स्किन वॉकर ने उन्हें उनके ही किसी फैमिली मेंबर की आवाज में पुकारा था
ज्यादातर केसेस में ये उनके माँ बाप या फिर बच्चों की आवाज थी। और इससे भी ज्यादा भयंकर हैं वो किस्से जिनमें जंगल में कैंपिंग करने गए लोगों को हूबहू अपने ही जैसा दूसरा इंसान दूर खड़ा दिखाई दिया है। जरा खुद को एक बार इस सिचुएशन में डालकर देखिए, जहां आपको अपने ही जैसा दिखने वाला दूसरा इंसान दिखाई दे और वो आपको मारकर आपकी जगह लेने की कोशिश करे। क्या होगा अगर वो आपकी जगह आपके घर चला जाए? कई टेस्टिमनीज में लोगों ने यह भी कहा है कि जंगल से वापस आने पर उन्हें अपने पेट्स यानी कि कुत्ते बिल्लियां अजीब तरह से बिहेव करते हुए मिले। कई लोगों ने शक और डर की वजह से अपने पेट्स को गोली तक मार दी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं उनके पेट्स रात में उनकी जान न ले लें। और कुछ केसेस में तो स्किन वॉकर ने अपने टारगेट्स का पीछा उनके घर तक किया है। ये तो हो गई वेंडिगो या फिर स्किन वॉकर की बात। अब देखना यह है कि अगर आपका इससे सामना हो गया तो आप क्या कर सकते हैं। इसका जवाब है ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इस पर ना तो किसी हथियार का कोई असर होता है और ना ही किसी प्रार्थना और टोने टोटके का। इसका कारण बड़ा सीधा सा है, वो ये कि ये एक जीता जागता सुपरनैचुरल जीव है, ना कि कोई आत्मा या फिर पैरानॉर्मल फिनोमिना। अगर नावाहो ट्राइब्स के वंशजों की माने तो वेंडिगो से बचने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला ये कि आप भागकर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर आ जाएं, और दूसरा ये कि आप इसे ही जलाकर मार दें। ये दोनों ही तरीके जितने सीधे साधे हैं उतने आसान नहीं, क्योंकि जंगल में अपने से कई गुना बड़े और चार पैरों पर चलने वाले किसी भी जीव से भाग पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और इसे जलाकर मारने के लिए आपको इससे सीधे सीधे ही लड़ना होगा, और इसे कहीं ना कहीं ट्रैप तो करना ही होगा, तो ये ऑप्शन भी लगभग इम्पॉसिबल है। खैर, अब स्किन वॉकर की बात चली है तो लगे हाथ स्किन वॉकर रैंच की बात भी कर लेते हैं। स्किन वॉकर रैंच एक बहुत ही पॉपुलर सुपरनैचुरल हॉटस्पॉट है, जिसने कई सालों से रिसर्चर्स को चक्कर में डाल रखा है। ये उन कुछ लिमिटेड जगहों में से है जिस पर लगभग हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हिस्ट्री चैनल, वाइस और कई अमेरिकन चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। वैसे स्किन वॉकर रैंच इस जगह का असली नाम नहीं है, इस जगह का असली नाम है शर्मन रैंच, जो कि यूटा में बैलर्ड में है। ये 510 एकड़ के आसपास का एक बहुत ही बड़ा रैंच यानी फार्म स्टेट है, जो कि एंशियंट नावाहो ट्राइब की जमीन पर मौजूद है। हिस्ट्री के हिसाब से ये रैंच नावाहो ट्राइब के इलाके में आता था, जिसे 1934 में केनेथ और एडिथ मायर्स ने खरीद लिया था, जिसे 1994 में टेरी और ग्विन शर्मन को बेच दिया गया था। आज के समय के नेटिव अमेरिकन्स बताते हैं कि इस रैंच पर कुछ पुराने शामंस का श्राप है, जो कि उन्होंने यहाँ रहने वाले ट्राइब के लोगों को दिया था। ये श्राप इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी ट्राइब के कुछ लोगों को स्लेव्स बनाकर बेच दिया था। टेरी और ग्विन शर्मन ने ये रैंच खरीद तो लिया था, पर वो यहाँ 2 साल से ज्यादा नहीं टिक पाए। इस फैमिली के पास कई जानवर थे, जैसे कि गाय, घोड़े, बकरियां, और उनके फार्मिंग बिजनेस के लिए रैंच बिल्कुल परफेक्ट था। पर शर्मन फैमिली के साथ यहाँ ऐसी कई चीजें हुई थी जिसे ना सिर्फ उनकी जान खतरे में पड़ गई, बल्कि उन्हें यहां से भागना भी पड़ा। स्किनवॉकर रैंच एक बहुत ही पॉपुलर यूएफओ हॉटस्पॉट भी है, जहां अक्सर अलग अलग तरह के यूएफओ भी दिखाई देते हैं। एनीवेज, शर्मन फैमिली के मुताबिक उनके यहां शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद ही उनके बहुत से जानवर मारे गए थे, और बड़ी ही अजीब तरह से। उन्हें अक्सर अपनी गायें मरी मिलती थी, पर ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी जानवर ने मारा था, क्योंकि उन्हें खाया नहीं गया होता था। जिस भी जगह जानवरों की लाशें मिलती थी वहां खून का एक धब्बा भी नहीं पाया गया था, और कुछ जानवरों की लाशें देखकर ऐसा लगता था कि उन पर सर्जरी की गई थी। मारे हुए जानवरों की जीभ, आंखें और कान अक्सर गायब होते थे, और वो भी बिल्कुल सर्जिकल प्रिसीजन के साथ। कई बार गायों के पेट पूरे खुले हुए मिलते थे और अंदर के सारे ऑर्गन्स गायब होते थे, और इन सारे ही केसेस में आसपास खून का एक छींटा भी नहीं मिलता था, यहां तक कि जानवरों की लाशों में खून का एक कतरा भी नहीं पाया गया था। स्किनवॉकर रैंच में पाए गए म्यूटिलेटेड जानवरों की ये कुछ रियल इमेजेस हैं।
Let's have a look. Also, Terry को कभी कभी रैंच में कई जगह से मिट्टी भी गायब मिलती थी, मतलब ये एक क्रेटर जैसी खाली गड्ढे होते थे जिनमें बड़ी सफाई से टनों मिट्टी निकाली गई होती थी। इस सब के अलावा स्किनवॉकर रैंच का सबसे फेमस हादसा वो था जहां टेरी शर्मन का सामना एक बहुत ही बड़े भेड़िए से हुआ था। ये कोई लोमड़ी या फिर आम भेड़िया नहीं था। बस आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भेड़िया किसी बैल के साइज का हो जाए तो वो कितना भयानक होगा। टेरी ने इस भेड़िए पर अपनी मैग्नम पिस्टल से कई गोलियां चलाई थी और उसके मुताबिक उसने अपनी आंखों से उस भेड़िए के कंधों से मांस फटता हुआ देखा था, पर वो भेड़िया वैसे का वैसा ही उसके सामने खड़ा रहा था। ऐसा होना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैग्नम पिस्टल में 0.45 या फिर 0.50 कैलिबर की बुलेट्स लगती हैं, जिनका सामना शायद एक हाथी भी नहीं कर सकता। टेरी के साथ और भी बहुत अजीब चीजें हुई थी, जैसे कि उसके फार्मिंग इक्विपमेंट अक्सर अपनी जगह पर नहीं मिलते थे। बहुत ढूंढने पर ये इक्विपमेंट उसे कई बार पेड़ों पर टंगे मिलते थे। बस प्रॉब्लम ये थी कि ये इक्विपमेंट अच्छे खासे भारी थे, कुछ तो आराम से 30 से 40 किलो के रहे होंगे, और वो पेड़ों पर कैसे पहुंच जाते थे ये कोई नहीं जानता। इसके अलावा टेरी शर्मन और उसकी फैमिली ने कई बार वहां स्किनवॉकर जैसे किसी जीव और आसमान में अजीब सी ब्लू लाइट्स देखने का दावा भी किया था। खैर, ये लाइट्स बाद में और भी कई लोगों को दिखाई दी थी और उन्होंने इसे रिपोर्ट भी किया था। 90s में कई लोगों ने क्लेम किया था कि शर्मन फैमिली ने इस रैंच के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं जिससे उन्हें पब्लिसिटी मिल सके, पर ऐसा होना जरा मुश्किल था क्योंकि टेरी शर्मन के फार्मिंग बिजनेस को यहाँ काफी लॉस हुआ था, और कॉमन सेंस ये कहती है कि कोई भी बिना किसी रीजन के इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को यूं ही 2 साल में बेचकर नहीं भागेगा। जब टेरी शर्मन ने ये प्रॉपर्टी बेची थी तब उसके पास कई अच्छे ऑफर थे और सारे ही बायर्स अच्छे पैसे देने को तैयार थे, पर टेरी शर्मन ने यह प्रॉपर्टी रॉबर्ट बिगलो को बेची थी और वो भी बहुत ही कम दामों पर। टेरी ने इसका यह रीजन दिया था कि रॉबर्ट बिगलो ने यह प्रॉपर्टी रहने के लिए नहीं बल्कि रिसर्च पर्पस के लिए खरीदी थी, और टेरी नहीं चाहता था कि यह प्रॉपर्टी किसी भी ऐसे इंसान के पास जाए जो यहां रहना या फिर बिजनेस करना चाहता हो। आज स्किनवॉकर रैंच ब्रैंडन फ्यूगल नाम के एक रियल स्टेट बिजनेसमैन के पास है जिनका इंटरेस्ट पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल चीजों में कुछ ज्यादा ही है। हिस्ट्री चैनल ने ब्रैंडन फ्यूगल के साथ एक बड़ी लंबी डॉक्यूमेंट्री शूट की थी जिसे आप यूट्यूब पर या फिर हिस्ट्री चैनल का सब्सक्रिप्शन लेकर देख सकते हैं। पर अजीब बात है कि ब्रैंडन फ्यूगल ने यहाँ आज तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। एक थ्योरी यह भी है कि ब्रैंडन फ्यूगल अमेरिकन मिलिट्री का एक फ्रंट है और असल में ये रैंच अमेरिकन मिलिट्री की ही प्रॉपर्टी है। शायद ही कोई अमेरिकन रिसर्चर होगा जिसने स्किनवॉकर रैंच की इन्वेस्टिगेशन ना की हो, पर अनोखी बात यह है कि उनमें से किसी ने भी अपनी फाइंडिंग्स की रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की है। ऐसा क्यों है? अगर स्किनवॉकर रैंच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ जाने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए और कोई भी रिपोर्ट छुपी नहीं होनी चाहिए। इसका कारण क्या है शायद आप सब समझ ही गए होंगे। मैंने ये कुछ वेंडिगो की या फिर कह लें कि स्किनवॉकर की वीडियोज इकट्ठा की है जो कि मुझे काफी ऑथेंटिक लगती है। टेक अ लुक।
आगे से। Well, you've been sharpening it for like 2 hours. You hear something? The dog. Okay. Probably Shiloh. Yeah, I gotta take pictures. Vit, bring the flashlight. Fuck, c'était quoi? C'est parti là. Hein? Chose là. Oh shit. You. इन सारी वीडियोस में ये लास्ट वीडियो मुझे सबसे ज्यादा रियल लगती है। कुछ भी हो, आपको स्किन वॉकर या फिर बेंडिगो से डरने की कोई खास जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है कि ऐसा कोई भी जीव नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाहर दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया है और ना ही किसी ने इससे सामना होने का दावा किया है। पर फिर भी अगर आप जंगल में कैंपिंग करने जाएं और आपको अपने जैसा दिखने वाला कोई इंसान दिख जाए तो वहां से बिना देर किए तुरंत निकल जाइएगा। वेंडिगो या स्किन वॉकर पर जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी मैंने इस वीडियो में डालने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव फन।